रहीम ए खुदा मुश्किल में मुसीबत में मसरत में ख़ुशी में मैं तेरी रज़ा पर ही फ़कत नाज़ करूँगा हर वक्त में हर हाल में हर काम से पहले मैं नाम तेरा ले के ही आगाज़ करूँगा मोहतरम नाज़रीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात मैं रहमतुल्लाह उर्दू मौलिम गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज स्टोन बिल्डिंग मंडिया आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सब का करता हूँ आदाब बजा लाता हूँ आज की नशस्त में मैं अमीर मीनाई की लिखी हुई नज़्म को पढ़ूँगा प्यारे बच्चों हमारी आज की इस क्लास में आप सब का खुश आमदीद है इस्तकबाल है सबसे पहले आप अपने ख़रीब एक नोटबुक, एक निसाबी किताब आपकी नवी जमात की और एक पेन ख़रीब रख लें ताकि मैं क्लास लेते वक्त अहम नुक़ात कहूँगा उनको आप नोट फरमाते जाए अज़ीज़ तलबा आज हम नौ नौबहार अदब नवी जमात की एक नज़्म पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नात सबक नंबर तीन इसके शायर अमीर मीनाई सफ़ा नंबर तेरह अजीज तलबा वालिबा क्लास शुरू करने से पहले पिछली क्लास में लिए गए सबक से दो सवाल करूँगा बहुत ही आसान सवाल हैं मुझे उम्मीद है आप तमाम इसके जवाब ज़रूर दोगे चलिए सवालत करते हैं अच्छा बताइए पिछली क्लास में आपने कौन सी नजम पढ़ी थी ज़रा सोच कर बताइए जी हाँ ठीक फरमाया पिछली क्लास में आपने हमद को पढ़ा था अच्छा फिर बताइए कि हमद किसे कहते हैं हाँ बहुत आसान सवाल है नी हमद अल्लाह ताला की तारीफ़ तौसीफ में लिखी गई नज़्म को हमद कहते हैं ठीक है इसी तरह नात में हुजूर अकरम करम अलैहि वसल्लम की तारीफ़ो तौसीफ बयान की जाती है प्यारे बच्चों फ़ारसी का एक मशहूर फ़रा है बादस खुदा बुज़ुर्ग तो खिस्सा मख्तसर यानि खुदा के बाद सबसे ज़्यादा बुजुर्गी और बड़ा बड़ाई वाली हस्ती हुजूर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं इसीलिए शुराए कराम भी हमद के बाद नात कहना अपने लिए बाई से ब समझते हैं तो चलिए आज की क्लास में हम भी नात रसूल का मुताला करेंगे अज़ीज़ बच्चों नात पढ़ने से पहले आइए हम नात के मुतालिक जानकारी हासिल करें नात उस नज़्मों को कहते हैं जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात और सीरत की तारीफ व तौसीफ़ तो बयान की जाती है इसमें शायर सरवर कौन ख़तमरसलिन सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए अपनी गहरी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करता है अज़ीज़ तलबा अब हम नाच शुरू करने से पहले शायर अमीर मीनाई का तारुफ करेंगे सबसे पहले आप इनका तारुफ गौर से सुनिए इसके बाद एक सरगर्मी दूंगा इनकी जिंदगी के मुतालिक समाप्त कीजिए अमीर मीनाई का तारुफ शायर अमीर मीनाई का पूरा नाम मुंशी अमीर मीनाई था और अमीर तखल्लुस करते थे अमीर मीनाई की पैदाइश 1828 सनी ईस्वी को बमकाम लखनऊ हुई आपका ताल्लुक हजरत मखदुम शाह मीनाई के खानदान से था इसलिए मीनाई कहलाए उर्दू के अलावा आप अरबी और फारसी में कामिल दस्तगा रखते थे यानी आप अरबी और फारसी के भी माहिर थे तिब और नुजुम से भी

तस्नीफ है। आपकी गजलों के दो दीवान हैं एक का नाम मीरातल ग़ैब और दूसरा सनम खान है गदर यानि पहली जंग आजादी के बाद तिरतालीस साल तक दरबार रामपुर से वापस्ता रहे इसके बाद हैदराबाद तशरीफ ले आए और वही सन एक हजार नौ सौ ईस्वी को आपका इंतकाल हुआ अमीर मीनाई की दीगर किताबें आप यहाँ देख सकते हैं हाँ तो चलिए अजीज तलबा अभी आपने अमीर मीनाई का तारुफ सुना जिंदगी के मुतालिक एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे आइए मुनासिब जोड़ लगाइए देखिए यहाँ पर हिस्सा अलीफ में अमीर मीनाई के जिंदगी के हालात हैं और हिसाए बे में आते हैं उसको सही जवाब को आप जोड़ लगाना है मैं आपके लिए थोड़ा वक्फा भी दूंगा देख लीजिए अमीर मीनाई की विलादत यानी पैदाइश उनकी पैदाइश कब हुई अमीर मीनाई का पूरा नाम अमीर मीनाई का जो नाम था पूरा उसको यहाँ आप लिखना चाहिए उर्दू लगत का नाम अमीर मीनाई जो उर्दू लगत लिखे थे उसका नाम दीवान के नाम और आखिर में अमीर मीनाई की वफात यानि उनका इंतकाल कब हुआ चलिए जवाब देखते हैं जिन्होंने भी जवाब लिखे हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ आइए सही जवाब को देखेंगे अमीर मीनाई की विलादत अठारह सौ अट्ठाईस सन ईस्वी अमीर मीनाई का पूरा नाम मुंशी अमीर मीनाई था अमीर मीनाई की उर्दू लगत का नाम अमीरुल अमीरल दीवान के नाम अमीर मीनाई के दीवान के नाम क्या थे मीरातुल्गैब और सनम खान इश्क अमीर मीनाई की वफ़ात यानी उनका इंतकाल कब हुआ एक हज़ार नौ सौ सन ईसवी हैदराबाद में हुआ आइए प्यारे बच्चों अभी हम अमीर मीनाई का तारुफ सुन रहे थे और एक छोटी सी सरगर्मी भी की अब मैं इन्हीं की लिखी हुई नात पढ़ाऊँगा नात शायर अमीर मीनाई क्या शर्फ आपने आ फख्र रिसालत पाया शाफिय महशर हुए ताज शफात पाया जिसके साये तले होंगे नबी हैं जितने लुत्फ हक़ से वो अलम रोज ख़ियामत पाया और क्या जिक्र तो इस आलम में ईजाद में क्या अनबिया ने भी शर्फ उनकी बदौलत पाया हुसन यूसुफ दमे ईसा यदाय कलीम जो मिला जिसको इसी घर की बदौलत पाया नाते मौला में कहे शेर न ये तू ने अमीर वाह क्या सल अलासने तबीयत पाया प्यारे बच्चों अभी आपने इस नज़्म को सुना चलिए एक मरतबा तरन्नुम से भी पढ़ाऊँगा बगौर समात फरमाए चलिए सुनते हैं रह्मनी रहीम रह्मनी रहीम नात शायर शायर अमीर, अमीर मीनाई क्या शर्फ आपने आय फख्र रिसालत, तो रिसालत पाया क्या शर्फ तो आपने आय फख्र रिसालत पाया शफीए महशर हुए ताज शफात आत पाया क्या शर्फ आपने फख रिसालत लत पाया जिसके, जिसके साये तले होंगे नबी हैं, हैं जितने जिसके साये होंगे नबी हैं जितने लुत्फ हक़ से वो अलम रोज की आमत पाया क्या शर्फ आपने फखर रिसत पाया और काज कर तो इस आलम ईजाद में क्या और काज कर तो इस आलम ई जा में क्या, तो क्या? अनबिया ने भी शर्फ उनकी बदौलत पाया क्या शर्फ आपने फखर रिसालत पाया हुस्न यूसुफ दमे दम ईसा यद बैजाय कलीम हुस्न यूसुफ दमे दम ईसा यद क़लीम जो मिला जिस को सी घर की बदौलत पाया क्या शर्फ आपने फख्र रिसालत पाया नाते मौला में कहे शेर नए तू ने अमीर नाते मौला में कहे शर न ये ने अमीन वा क्या हुस्न तबीयत पाया क्या शर्फ आपने फखरे रिसालत पाया में मे हुए ताज शफात पाया क्या शर्फ आपने आए आए रे रे रिसालत रे रिसालत पाया।, पाया। हाँ अजीज तलबा अभी आपने नात को तरन्नुम से सुना आगे बढ़ते ही इस नात की तशरी यानी इस नात का मफहम हम जानेंगे अजीज़ तलबा इस नात का मरकजी ख्याल लौलाक लिमा खलकुतुल अफलाक हदीस पर है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि आई नबी वसल्लम आप ना होते तो मैं इन आसमानों और कायनात को पैदा ना करता इस हदीस को अपने ध्यान में रखिए इस हदीस मुबारक अपनी नजरों के सामने रखकर इस नात को समझने की कोशिश करें आपको जरूर इस नात का मफहम समझ में आ जाएगा चलिए अभी हम इस नात की तशरी करेंगे इस नात में कुल पांच हैं एक के बाद एक एक शेर का मैं मफहम आपको समझाता जाऊंगा क्या शर्फ आपने फख्र रिसालत पाया शाफिये में हुए ताज शफात पाया इस शेर में शामिल अहम सुर्ख रंग में रंगे हुए हैं इनके मानी इस तरह ही शर्फ मकाम मरतबा बुलंदी शान फख्र रिसालत अल्लाह के रसूल जिस मकाम पर फख्र करें यामत के दिन गुनागारों के हक में माफी की सिफारिश करने वाले इमारत हजूर करम सल्लाम ताज शफात सिफारिश करने का ताज शायद अमीर मीनाई हजूर करम वसल्लम से अपनी गहरी मोहब्बत का इजहार करते हुए नात में फरमाते हैं के नबी करीम सल्लास बुलंद मरतबे पर फायज हैं क्यामत के दिन आपल्लम गुनागारों की बख्शिश की सिफारिश करें अल्लाह तसल्लम को शाफिया मर बनाया और शफात का ताज यानी सिफारिश का ताज अता किया जिसके साये तले होंगे नबी हैं जितने लुत्फ हक से वो अलम रोजियामत पाया इस शेर के अहम अल्फ के मान इस तरह ही तले नीचे लुत्फ हक अल्लाह का करम या अल्लाह का फजल अलम झंडा परचम या नशान इस शेर में शायद फरमाते हैं कि आप रोज़े सल्लाम के अलम बर्दार हैं ख्यामत के दिन दीगर अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के साय तले रहेंगे और तमाम इंसानों की बख्शिश की सिफारिश करेंगे और का जिक्र तो इस आलम ईजाद में क्या अनबिया ने भी शर्फ उनकी बदौलत पाया इस शेर में शामिल अहम अल्फाज इस तरह ही इसके माने भी देख लीजिए आलमी ईजाद मौजूदा दुनिया अनबिया नबी की जमा इस शेर में शायर फरमाते हैं कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुलमखलूत बनाया और यह शर्फ इंसान को अल्लाह तला ने हजूर अक्रम वसल्लम के सबसे व तोफिल में दिया इंसान तो इंसान तमाम नबियों ने भी शर्फ नबोवत आप सल्लम की बदौलत पाया उसने यूसुफ दमे ईसा यदे क़लीम जो मिला जिसको इसी घर की बदौलत पाया इस शेर में शामिल तलमीहात हैं इन तरमिहात के माने इस तरह हैं हुसन यूसुफ यानी हजरत अलैहिस्सलाम का हुस्न हजरत यूसुफ को अल्लाह ताला ने बेपनाह हुस्न से नवाजा था दमे ईसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यह मुजा हासिल था कि बीमारों के बीमार जिस्म पर उनके हाथ फेरने या फूंक मारने से बीमार तंदुरुस्त हो जाते थे यदाय कलीम हजरत अलैहिस्सलाम को कलीमला कहा जाता है उनका यह मजदा था कि अपना हाथ अपने बगल में डालते तो वो खुदा की खुदर से चमकने लगता शेर में शायर हथ का इस्तेमाल किया है जैसा कि मैंने पहले बताया इसलिए सबसे पहले हम सनत तलमी के मतलब जानकारी हासिल करें कलाम या शेर में किसी मशहूर शख्स या तारीखी वाक्य की तरफ इशारा करना तलमी कहलाता है बाहिर या मुतसर अल्फाज होते हैं, मगर इसके पीछे कोई खिस्सा या कहानी होती है जिसे जाने बगैर शेर का मफहम समझ में नहीं आता इस शेर को देखिए नारे नमरुद को किया गुलजार दोस्त को यूं बचा लिया तूने इस शेर में शायर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरुद की आग से बचाने के वाक्य की तरफ इशारा किया है इस शेर में शायर अमीर मीना ये हाथ का इस्तेमाल करते हुए फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ को हुस्न, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बीमारों को तंदुरुस्त करना और हजरत अलैहिस्सलाम का हाथ कुदरत से चमकना ये सब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत उन्हें नसीब हुए नाते मौला में कहे शेर न तू ने अमीर वह क्या सल अला तबीयत पाया इस शेर केफज के, के मानी इस तरह ही। मौला यानी सरदार सल अला दरुद के क़लिमात नात के आखिरी शेर यानी मखता में शायर अमीर मिनाई अपने मुतालिक यह कहा है कि मैंने इस नात में हजूर अक्रम सल्ला वल्लम की तारीफ और तोसीफ़ को नए नए अशार के जरिए बयान करने का शर्फ हासिल किया है अजीज बच्चों अब इस नाच से मुतक चंद मशकी सरगर्मियाँ भी करेंगे मशकी सरगर्मियाँ करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह होता है कि पढ़ाया गया सबक अच्छी तरह से जहीन नशीन हो जाता है हाँ सबसे पहली सरगर्मी है ये आपकी निसाबी किताब में भी शामिल हैं सवाल के जवाब इनके मख्तसर जवाब लिखिए चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है पहला सवाल है फ़्र रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पाया बहुत आसान सा सवाल है सभी इसके जवाब दिए होंगे चलिए देखते हैं जवाब क्या है हाँ ठीक है सही जवाब है इसका फ़्र रिसालत मोहम्मद सल्लम ने ताज शफात पाया आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल शायर अमीर मीनाई ने दूसरे मिसरे में आ हज़ुर सल्लम को क्या कहकर याद किया है जवाब शायर अमीर मीनाई ने दूसरे मिसरे में आ हज़ुर सल्लम को शाफिय महशर कहकर याद किया है चलिए तीसरा सवाल देखते हैं ख़्यामत के दिन दीगर अनबिया कहाँ रहेंगे ठीक है देखेंगे जवाब क्या है इसका जवाब ख़्यामत के दिन अनबिया बिया हजूर अक्रम सल्लम के झंडे के सा तले रहेंगे आइए अगले आगे बढ़ते हैं चौथा सवाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बदौलत दीगर अनबिया ने क्या पाया जवाब हजरत मोहम्मद सल असल् की बदौलत दीगर अनबिया ने शरफे नबूवत पाया अजीज तलबा अब इस सरगर्मी को मैं थोड़ा वफका दूंगा इनके अजदाद लिखिए सवालत इस तरह हैं फख़्र हक़ रोज़ लुत्फ़ इनके जवाब आपको देना है इन अल्फाज की जिद लिखना है चलिए जवाबा देखते हैं टाइम मुकमल हुआ जवाब इस तरह हैं फख़्र अज़ज़ हक़ ना भी होता है और बातिल भी लिख सकते हैं इसको इसकी ज़िद रोज़ शब लुफ़ बेलुत्फ तो इस तरह इन अजदाद के जवाब थे अज़ीज़ तलबा यहाँ एक और सरगर्मी आपके सामने है इन इनफ के वाहिद लिखिए यहाँ पर तमाम अल्फ जमा में ही आपको वाहिद बनाना है इसके लिए मैं आपको थोड़ा वफ़ा दे रहा हूँ ग़ौर से देखकर इनके वाहिद बनाइए अनबिया हकूक़ अल्ताफ ई ईजादात वक्त हो रहा है चलिए अब जवाब देखते हैं इन अल्फाज के वाहिद इस तरह ही अनबिया नबी हकूक़ हक़ अलताफ़ लुत्फ ईजादात ईजाद इस तरह की यह सरगर्मी थी चलिए आगे बढ़ते हैं इन अशार को मुकम्मल कीजिए देखिए ये नशार को मुकम्मल कीजिए यहाँ आपको अजबर करने के बाद इस सरगर्मी से आपको बहुत फ़ायदा होगा ग़ौर से देखिए पहला जिसके शाय तले होंगे नबी हैं जितने इस शेर का मिसरा सानी आपको लिखना है दूसरा अनबिया ने भी शर्फ़ उनकी बदौलत पाया इस शेर का मिसरा अवला आप यहाँ लिखना चाहिए हुसन यूसुफ़ दम ईसा बेजाए कलीम इस शर का आप ए सानी मुकम्मल करना चाहिए चलिए जवाब देखते हैं जिसके साये तले होंगे नबी हैं जितने जवाब लुफ हक़ से वो अलम रोज़ा ख़यामत पाया दूसरा और का ज़िक्र तो इस आलम ईजाद में क्या अनबिया ने भी शर्फ उनकी बदौलत पाया हुसन यूसुफ़ दम ईसा यदाय कलीम जो मिला जिसको इसी घर की बदौलत पाया इस तरह ये जवाब थे आगे बढ़ते हैं एक और सरगर्मी आपके सामने है ग़ौर से सुनिए पहले दो लफ्ज़ों की मुनासिबत से तीसरे लफ्ज़ का जोड़ लिखिए यानी पहले जो लफ्ज़ों में ताल्लुक रहता है उसको समझकर तीसरे लफ्ज़ का जवाब लिखना है के सामने एक मिसाल देता हूँ पैर जूता सर टोपी इसी तरह दिन रात सुबह शाम तो यह जो ताल्लुक रहता है इसको देखकर इसके जवाब देना है चलिए अब इसके जवाब देखेंगे अल्लाह ताला की तारीफ में लिखी गई नज्म को हमद कहते हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखी गई नज्म को नात कहते हैं दूसरा हमद की शायरा जहरा बतूल जवाब नात के शायर अमीर मीनाई सही जवाब वली की जमा अलिया तो नबी की जमा क्या हुआ अनबिया हुआ तो आगे बढ़ते हैं अजीज तलबा यह और सरगर्मी आपके सामने है गैर मुतरदफ लफ्ज अलग कीजिए गैर मुतरदिफे मुतरद का मतलब एक ही माने देने वाले अल्फाज इसमें से गैर मुतरदफ लफ्ज जो नहीं जमता उसको निकालना है पहला शर्फ बुलंदी मरतबा पस्ती दूसरा अलम झंडा अलीफ लामिम अलम परचम तीसरा मौला ग़ुलाम आखा सरदार चलिए जवाब देखेंगे हाँ सही जवाब हैं शर्फ पहला शर्फ बलंदी मर्तबा पस्ती इसका जवाब पस्ती है क्योंकि बलंदी का ज़िद्द पस्ती है बाकी के तमाम अल्फ एक ही माने के हैं दूसरा आइन ला मिम अलम झंडा लामिम अलम परचम इसमें लामिम अलम निकालना है क्योंकि इसके माने गम के आते हैं आन लामिअलम झंडा और परचम यख माने हैं। तीसरा मौला गुलाम आखा सरदार इसमें गुलाम को निकालना है क्योंकि मौला आखा सरदार ये खी माने के हैं अजीज़ तलबा अभी आपने अमीर मीनाई की लिखी हुई नज़्म नात का मताल किया उसका मफहूम समझने की कोशिश करें अब थोड़ा ख़वायद की तरफ रुख करेंगे आप ही की निसाबी किताब का यह ख़वायद है अजीज़ तलबा पिछली क्लास में आपने गैर मुसकिल कलमा इसके अकसाम और और इसके दो अकसाम हरूफ इजाफ़ी और अवलामत फाइली के मुतल मालूम हासिल की थी आज हम हरूफ रफ्त की बाकी दोस्मों यानि अमामत मफूली और अमत ज़रफ़ी के बारे में मालूम हासिल करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं जैसा कि आप जानते हैं हरूफ रबती के चार हैं पहला हरूफ इजाफ़ी दूसरा हरूफ फाइली तीसरा तीसरात मफूली और चौथा अलामत ज़रफ़ी इससे पहले आपने दो अकसाम का मुतालिक जानकारी हासिल की थी आज हम हमत सबसे पहले अलामत मफूली क्या समझते हैं अलामत मफूली वो हरूफ जो आम तौर पर मफूल के बाद आते हैं इसको समझने के लिए अजीज तलबा सबसे पहले हम फ़ेल फ़ाइल और मफूल को समझना है फ़ेल किसी भी काम को कहते हैं इंग्लिश में से वर्प कहा जाता है फ़ाइल काम करने वाला मफूुल जिस पर काम का असर होता है जैसे इस जुमले में आप देखिए गाड़ी ने लड़के को टक्कर मारी इस जुमले में कुमतें मफूली है क्योंकि इस जुमले में गाड़ी फाइल है लड़का मफूल और टक्कर मारना फेल है यहाँ काम करने वाला गाड़ी है लड़का लड़के के ऊपर काम का असर पड़ रहा है तो यह मफूल हुआ और काफ़ोकू लड़के के बाद आ रहा है इसलिए यहाँ मफूल अलामत मफूली को है एक और मैं आपके सामने मिसाल देता चलूँ अम्मा ने बच्चे को खिलाया इस जुमले में को अलामत मफूली है क्योंकि इस जुमले में अम्मा फाइल है बच्चा मफूल है और खिलाना फेल है और यहाँ लफ्ज़ को मफूल के बाद आया है इसलिए इसको अलामत मफूली कहा जाता है आगे बढ़ेंगे अलामत ज़रफ़ी यानि अलामत जरफी वो हरूफ हैं जो हालत जर्फ को ज़ाहिर करते हैं हालत जर्फ यानि मकानियत जगह फासिला दूरी और वक्त के इजहार के लिए अलामत ज़रफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं हरूफ़रफ़ यही में से तक हर पर बीच चलिए हम इसके मिसालें देखें तो हमको समझ में आ जाएगा मैसूर से ऊटी का फ़ासला तकरीबन 150 किलोमीटर है यहाँ से अमामत ज़रफ़ी है दूसरा बनारस गंगा पर वाक़ी है यहाँ पेरे परामत ज़रफी है तीसरा अल्लामा अकबाल सियालकोट में पैदा हुए इस जुमले में मैं अलामत ज़रफी है चलिए आगे बढ़ते हैं दर्ज झैल सवाल के चार जवाब दिए गए हैं सही जवाब चुन कर लिखिए देखेंगे पहला सवाल क्या है इस जुमले में अलामत मफोली की कीजिए। कीजिएत मफोली इससे एक जुमला है यहाँ पढ़ता हूँ उस्ताद ने अहमद को सबक पढ़ाया ऑप्शन ये उस्ताद ऑप्शन बी अहमद ऑप्शन सी को ऑप्शन डी पढ़ाया देखेंगे इसका सही जवाब क्या है हाँ सही जवाब ऑप्शन सी को दूसरा वो हरूफ जो हालत जर्फ को जाहिर करते हैं कहलाते हैं क्या कहलाते हैं ऑप्शन एमत फाइली ऑप्शन बी अलात ज़रफ़ी ऑप्शन सी अलामत मफूली और ऑप्शन डी अलामत इजाफी सही जवाब देखेंगे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अलामत ज़रफ़ी दर्ज जुमलों में ये जुमला अलामत मफूली की मिसाल है सही जवाब ऑप्शन डी गाड़ी ने लड़के को टक्कर मारी आइए आज हम अपनी क्लास का अता कर लें आज हम नात का मतलब मालूम किया शायर अमीर मीनाई की नात का मुताला किया नात के अशार का मफहम समझने की कोशिश की और ख़वाद के हिस्से में हरूफ रब्त और उसके अकसाम के मुताल जानकारी हासिल की चलिए घरेलू काम कर लेते हैं महतरम नाजरीन अज़ीज़ तलबा व तलिबात उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप सबको अच्छी तरह समझ में आई होगी अब अपने उर्दू रहमतुल्लाह को इजाज़त दीजिए इन अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी बिला ज़रूरत घर के बाहर ना जाएं घर बाहर का माहौल बहुत ख़राब है घर में रहिए महफूज रहिए शबैर खुदा हाफिज